नमस्ते सभी दोस्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डॉलर ईआरपी में हम सेल बिल को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन नज़र आएगा, सेल पे आपको जाना है। सीधे से बस आपको यहाँ पे सेल्स ऐड करना है। अगर आपको नया बिल बनाना है तो आपको यहाँ पे ऐड पे जाना है। अगर किसी बिल को मॉडिफाई करना है या बिल के अंदर कुछ करेक्शन करना है तो आपको मॉडिफाई में जाके वो करेक्शन कर देना है। यहाँ पर आपको वो वाउचर नंबर डालने होते हैं जिस वाउचर नंबर पर आपको करेक्शन करना है। लिस्ट में आप एक साथ सारे बिल्स देख सकते हो, कौन कौन से सेल्स इनवॉइस आपने बनाए हुए हैं। हमें यहाँ पे सीखना है कि ऐड हम कैसे करते हैं, नया वाउचर हम कैसे ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड पे चले जाना है। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे डेट डालनी है, जो भी आपकी सिस्टम डेट है या फिर जिस डेट में आपको इन्वेंट्री करनी है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। वाउचर नंबर आता है, वाउचर नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक यदि कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये मैनुअल हो रहा है तो आपको यहाँ पे मैनुअल डाल देना है, डायरेक्ट ले लेना है। अगर आपका अगेंस्ट चालान बनता है बिल तो यहाँ पे आप चालान सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पहले आपके किसी वाउचर का कोटेशन गया हुआ है और आप फिर उसी अगेंस्ट में ये बिल बना रहे हो तो आप यहाँ पे अगेंस्ट कोटेशन ले सकते हैं। ओके, इससे होगा ये कि आपके जितने भी कोटेशन बने हुए होंगे इस पार्टी के नाम से वो सारे यहाँ पे पिकअप होके आ जाएगा और डायरेक्ट उन सारे कोटेशंस का एक सेल्स इनवॉइस जनरेट कर देगा। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिखाऊंगा आपको। इसके बाद पार्टी का नेम आता है। अगर आपने क्रेडिट में सेल की है, मतलब उधार सेल करी है, तो यहाँ पे आपको उसका लेजर क्रिएट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे वो लेजर ऑलरेडी है तो बस यहाँ से आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो यहीं से आपको ऑल्ट सी करके उस लेजर को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे आप ऑल्ट सी करोगे तो एड अकाउंट मास्टर में यहाँ पे आ जाएंगे आप। आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। उसके बाद ग्रुप के अंदर हम सेल्स की इन्वेंट्री कर रहे हैं तो उस सेल्स की पार्टी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर सेल पार्टी क्लिक करेंगे। जैसे फोर सेल पार्टी क्लिक करेंगे तो संडे डेटर्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसका कोई ओपनिंग बैलेंसेज है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करके या फिर डायरेक्ट F2 भी कर सकते हो या फिर सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है लीगल इन्फॉर्मेशन में, आपको इनकी GST नंबर है तो वो आप यहाँ पे रजिस्टर करके इसके GST नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इससे हो गया है कि इनके जो टैक्स इनवॉइस बनेगा उसमें ये GST नंबर आ जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे GST नंबर नहीं डाले, मैं इसको वापस से अनरजिस्टर कर देता हूँ। कंट्रोल S से डायरेक्ट आपका कोई सा भी मास्टर हो, चाहे वो आइटम हो या फिर अकाउंट हो, वो यहाँ से डायरेक्टली सेव हो जाता है। अब ये अकाउंट अपने को दोबारा नहीं बनाना है, अगली बार से बस यहाँ पर जैसे अपनाएंगे आपको अकाउंट का नाम एंटर करना है, आपका अकाउंट यहाँ पर सर्च हो के आ जाएगा, बस उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। नेक्स्ट आता है सेल टाइप। सेल टाइप में हमें सेलेक्ट करना होता है कि ये जो सेल बिल अपन बना रहे हैं वो सेम स्टेट का बना रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट का बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अपन टैक्स इंक्लूडिंग सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपके पास दो तरह के टैक्स शो होता है। एक तो होता है IGST टैक्स इंक्लूडिंग और एक होता है LGST टैक्स इंक्लूडिंग। IGST का मतलब इंटर स्टेट हो गया और L का मतलब लोकल स्टेट हो गया। अगर जिस स्टेट में आप हो और वहीं से आप सेल बिल जनरेट कर रहे हो और सेल जो कर रहे हो वो सेम स्टेट में कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको LGST लेना होता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको IGST लेना होता है, क्योंकि उसमें जो टैक्स लगता है वो IGST लगता है। और LGST में आपका दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, CGST HGST। CGST होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और SGST होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। ओके, तो मैं यहाँ पर जैसे भी सेल जो कर रहा हूँ वो सेम स्टेट में कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर टैक्स इंक्लूडिंग LGST टैक्स इंक्लूडिंग होगा। टैक्स इंक्लूडिंग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पे प्राइस डालूँगा आइटम्स की, अब आइटम्स में मेरे 18% भी हो सकता है या 12% भी हो सकता है या 5% भी हो सकता है। तो टैक्स इंक्लूडिंग में ये सारे टैक्सेस को एक साथ एक ही बिल के अंदर अपन एंटर कर सकते हैं, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा, टैक्स इंक्लूड ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ कर देगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले 12% वाला आइटम सेलेक्ट करता हूँ, इसकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाली 1 और इसकी प्राइस यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है 1000। तो जैसे मैं यहाँ पे लास्ट में जाके एंटर करूँगा तो देखिए एक विंडो अपेयर होती है, तो अपनी 12% जो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी थी इस वाले आइटम की, तो इसमें से इसने ऑटोमेटिकली 6% CGST HGST डिडक्ट कर लिया। जो भी इसका अमाउंट है जो यहाँ पे अपने 1000 रुपीज़ डाला था, इसमें से इसने माइनस कर दिया, वो ऑटोमेटिक इंक्लूडिंग कर दिया उसको और टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब जैसे ही ओके करेंगे ये अपना यहाँ पे देखे टैक्स समरी में भी आपको इधर यहाँ पे शो होगा कि आपका टैक्स इंक्लूडिंग अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट ये है और विदाउट टैक्स उसके बाद CGST HGST इतना लगा है, उसके बाद टोटल अपना टैक्स इंक्लूडिंग ये होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर 18% का आइटम भी सिलेक्ट करता हूँ। इससे होगा कि टैक्स इंक्लूडिंग में आपका 18 हो या चाहे 12% हो,
चाहे 28% हो, आइटम की टैक्स कैटेगरी वाइज ऑटोमेटिकली उसका टैक्स वो अप्लाई कर देगा। मान लीजिए मैं इसका जो प्राइस है वो 500 रखता हूँ। ये देखिए, इसमें से भी इसने सीजीएसटी एसजीएसटी को इंक्लूडिंग कर दिया, जो भी इसका टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पे जनरेट कर दी। तो जो इससे ये बेनिफिट है कि आपको मैनुअल कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली बस आइटम का नाम सेलेक्ट करना, चाहे उस पर कोई सा भी टैक्स हो, 12% या 28% या 18%, वो आप यहाँ पर बस सेलेक्ट करना है, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा। ओके, F2 करेंगे। F2 करने के बाद आप इसको नेक्स्ट यहाँ पे आती है ट्रांसपोर्ट डिटेल। अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पे आपको उसको ट्रांसपोर्ट की डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होती है, व्हीकल नंबर, स्टेशन, ठीक है, आपके पिन कोड। नेक्स्ट उसका जो ई इनवॉइस या ई वे बिल यदि आप जनरेट करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे बिल को, सेव करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट जनरेट ई वे बिल या ई इनवॉइस। अभी जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को यस कर देता हूँ, अगर आपको वो जनरेट करना है इनवॉइस या ई वे बिल, तो उन दोनों ऑप्शंस को आपको यस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपका सेटलमेंट मोड, कि आपको जो पार्टी पैसे दे रही है वो कैश दे रहे हैं या फिर UPI दे रहे हैं या फिर उधार दे रहे हैं। अगर आपको पेमेंट कैश दे देते हैं तो आपको कैश में एंटर कर देना है, अगर वो कैश में नहीं दे रहे पेमेंट, बैंक में आ रहा है अपने पास, तो यहाँ पर आपको बैंक में वो अमाउंट डाल देना है। बैंक में भी नहीं आ रहा है तो बैंक को भी आपको ज़ीरो कर देना है, सिंपली ये जो है उनके लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बस सिंपली आपको इस पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये प्रिंटिंग के लिए पूछेगा। सेव पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से प्रिंटिंग के लिए यहीं से पूछ लेगा, यहीं से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक प्रीव्यू बता देता हूँ। इस तरह से आपको एक बहुत ही प्यारा फॉर्मेट आ जाएगा। इस फॉर्मेट में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करवाना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करवा सकते हैं, अपना लोगो लगवाना है या फिर कुछ और चेंजेस करवाना है। इस तरह से आपका ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।